मंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि झारखंड में दीपावली के बाद चुनाव होंगे और बीजेपी कार्यकर्ता अब पूरी तरह से जुट गए हैं। वहीं हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से दावा किया गया है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को ठगने के लिए ही मैया मैया चिल्ला रहे हैं। मंडल अध्यक्षों और केंद्र सरकार की नीतियों और झारखंड सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया है। जोर से ना आवाज देंगे, भारत माता की जय। आवाज पीछे नहीं आ रहा है भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री श्री राज के आदरणीय बाबूलाल मरांडी से आग्रह है कि विषय पर सुनाते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, अब राज्यपाल ने भी आपके जो प्रश्न थे उस पर हामी भरी है, उन्होंने भी समस्या इसे बताया। देखिए अशोक जी, ये बात हमारा बात नहीं है, झारखंड हाई कोर्ट का बात है। 2009, 2016, 2019, 2026 का एक वोटर वोट केंद्र का वोटिंग लिस्ट आप लोग एआई में डाल दीजिए, आप लोगों को खुद मालूम पड़ेगा यहाँ में साइलेंटली कितना बड़ा इन्वेशन हो रहा है। आप लोग एक समस्ती का, आप लोगों का तो बड़ा बड़ा चैनल है, अखबार है, एक समस्ती का चार वोटर लिस्ट निकाल लीजिए, राशि शहर का निकाल लीजिए, हजारीबाग का निकाल लीजिए, और मेरे से आप लोग जवाब करते हैं तो मेरा इतना ही दुख होते हैं कि आप लोग खुद भी कुछ हमें संख्या दीजिए, आप लोग खुद रिसर्च कीजिए कि 2009 वोटर लिस्ट उपलब्ध है, 2016 का वोटर लिस्ट उपलब्ध है, 19 का वोटर लिस्ट उपलब्ध है, 26 का वोटर लिस्ट उपलब्ध है। चार ये 20 साल में कितना जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है, मैं सितंबर में मैं बताने वाला हूँ, ये रिसर्च मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन आप लोग एक एक सेक्टर को बोलिए, आप लोग को मालूम होगा ये राजनीति नहीं है, ये झारखंड का भविष्य है। देखिएगा आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आप 10-15 एक महीना का बाद ये नहीं पूछेगा। झारखंड का माइंड परिवर्तन हो चुका है, नहीं तो आप हेमंत सोरेन जी को देखिए, हर बाद में माया योजना का नाम बोलते हैं, मतलब 7 साल 8 महीना आपने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, जेल कितना दिन के लिए गया था? 6 महीना 2 महीना 5 महीना। सीएम तो आपका ही था, वो समय भी आपका तो पत्नी ही था चार्ज में, आपका परिवार से तो झारखंड बाहर नहीं हुए थे ना। आपने कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना नया लोगों को नौकरी दिया। अभी आप देखिए सुबह से शाम माया माया बोलते हैं, आप लोगों भी माया माया बोलते हैं, मतलब इतना दिन कुछ नहीं किया। और तो इसीलिए हम लोग माया भैया सब बोलने वाला हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। संपाई सोरेन जी हेमंत सोरेन जी का मंत्रिसभा में है, वो एक बहुत ही बड़ी नेता है, मैं उनका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जो उनका व्यक्तित्व का ऊपर अपमान होगा। मैं एक ही शब्द में बोला, संफाई जी झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज़्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि संफाई सोरेन जी का जो
उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम नीचे नहीं करना चाहिए। कोई कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूँगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है, हमारा कोई समर्थन इसको नहीं चाहिए। भाजपा की हर समय इस तरह संगठन को लेकर बैठक होते रहती है और खास करके विधानसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर मंडल स्तर के जो मंडल अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी या प्रमंडलीय प्रभारी जो भी बने हैं, उनको एक आज की बैठक में एक दिशा निर्देश मिला उनको कि किस तरह से काम करना है, आने वाले समय में हम कैसे यहाँ की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वो स्थानीय मुद्दा को, विधानसभा स्तर पर मुद्दा को उठा के, युवाओं का, महिलाओं का, या विधि व्यवस्था का स्थिति है, या किसानों का दयनीय स्थिति है, या पूर्व में ये सरकार जो वर्तमान सरकार है जो घोषणा किया था उस घोषणा के अनुरूप कहाँ तक काम किया, उसको नहीं किया, उस मुद्दा को लेकर हम सभी सड़क पर उतरेंगे और कार्यक्रम करेंगे। इसी इन्हीं मुद्दा को लेकर आज की बैठक हुई मुख्य रूप से। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।